नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा में पेश एक जानकारी से खुलासा हुआ है कि जंगलों की कटाई में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो जानकारी पेश की वो चौंकाने वाली है। बीते 5 सालों में देश भर में 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल काटे गए। इनमें सबसे ज्यादा 19,730 हेक्टेयर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में काटा गया है। सूची में एमपी के बाद उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां बड़े क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि साल 2018 से 2023 यानी बीते 5 सालों में विकास कार्यों के नाम पर कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। इसी सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यवार जानकारी पेश की है, जिसमें वनों की कटाई में एमपी देश में पहले नंबर पर है। आंकड़ों को विवेक तन्खा ने सार्वजनिक करते हुए एक ट्वीट किया है। एमपी की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विवेक तन्खा ने कहा कि अपराध, कुपोषण, बेरोजगारी के बाद वनों के विनाश में भी एमपी नंबर वन है। विवेक तन्खा ने कहा कि ये आंकड़े एमपी में भाजपा सरकार का कुशासन दिखा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।